हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हलवाई स्टाइल में निमकी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा खस्तेदार बनता है और इसे आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आप भी एक बार इस तरह से निमकी जरूर बना के देखिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। निमकी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। अब इसमें हम नमक अपने स्वाद के अनुसार डालें, थोड़ा सा कलौंजी जिसे हम मंगरेला भी बोलते हैं, और इसमें हम 6 से 7 चम्मच रिफाइन ऑयल ऐड करेंगे। रिफाइन ऑयल को थोड़ा सा गर्म करके डालें, इसे कच्चा ना डालें। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैदा को खास्ता करना बहुत जरूरी है, तभी आपका जो निमकी है वो एकदम खास्तेदार बनेगा। इसे आप एक बार इस तरह से बाइंड करके देखिए, अगर ये बाइंड हो रहा है तो आपका जो मैदा है वो अच्छे से खास्ता हो चुका है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक डो रेडी करें। इसका हमें एक सॉफ्ट डो रेडी करना है। देखिए हमारा जो डो है वो एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब इसे हम कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने देंगे। 10 से 15 मिनट हो चुका है। देखिए हमारा जो डो है उसे हम फिर से 2 से 3 मिनट के लिए और नीट कर लेंगे। अब इसे हम इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। अब इसे हम इस तरह से रोल कर लेंगे। मैंने सभी पार्ट्स को इस तरह से रोल कर लिया है। अब हम एक पार्ट्स को लेंगे और इसे हम बेलेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा मोटा या पतला नहीं बेलना है। देखिए हमें इस तरह से इसे बेलना है। अब एक नाइफ की हेल्प से इसमें हम कट लगाएंगे। इसे हमें स्ट्रिप्स में कट करना है। आप एक बार इस तरह से हलवाई स्टाइल में निमकी जरूर बनाइएगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसे आप एक महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसे स्नैक्स के रूप में इंजॉय कर सकते हैं। अब हम इसे बीच में भी कट कर लेंगे। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और बाकी बचा रोल को भी इसी तरह से बेल के उसमें कट लगा लेंगे और इसे हम अब डीप फ्राई करेंगे। यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम निमकी को डाल देंगे। हमें निमकी को मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है जब तक कि ये चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए।
इसे हमें इस तरह से बीच बीच में पलटते रहना है जिससे कि जो हमारा निमकी वो चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम इस तरह से फिर से पलट लेंगे और दूसरे साइड से भी गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई करेंगे। देखिए हमारा जो निमकी वो चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसे हम निकाल लेंगे। और बाकी बचा निमकी को भी हम इसी तरह से डीप फ्राई कर लेंगे। देखिए हमारा हलवाई स्टाइल में निमकी बनके रेडी है। आप भी इस तरह से एक बार निमकी जरूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। अब इसे हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख देंगे। आपको मैं एक निमकी को तोड़ के दिखाती हूँ, देखिए कितना खास्तेदार बना है, एकदम परफेक्ट निमकी बन के रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, इससे मेरे आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।